यार तुम लोग मुझे याद दिला दिया करो कि रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, ठीक है, क्योंकि लास्ट पेज का वाला भी पार्ट रह गया है। तो लास्ट पेज वाले पार्ट पे यार मैं जरा फटाफट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अगर कोई मिस भी होगा ना तो उसको बाद में मिल जाएगा। रूट्स क्या है? रूट्स हम वो बोलते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द एक्सप्रेशन इज जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। तो अगर देखोगे तो पूरा एक्सप्रेशन कहाँ पे जीरो हो रहा है? अल्फा और बीटा पे जीरो हो रहा है। तो हम ऐसे बोल देते हैं ग्राफिकली, रूट्स आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आकर के जीरो होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे देखोगे तो वाई जीरो हो जाएगा, बाकी किसी पॉइंट पे वाई जीरो नहीं है अगर हम कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। तो डी का एक्चुअल में रोल ये होता है कि हम ये चेक कर रहे होते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ डी का रोल होता है। तो अगर डी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ग्राफ कट करेगा, जैसा नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाने वाला हूँ। ये तीनों केस, डी इक्वल टू जीरो का तो ग्राफ टच करेगा, और डी लेस देन जीरो का तो ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिखाया, तो मैं फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस में मैंने दिखाया कि व्हेन डी ग्रेटर देन जीरो, तो डी ग्रेटर देन जीरो है तो दो सब केसेस बन सकते हैं, इधर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा है और कट कर रहा है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ए नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा है, ओपनिंग डाउनवर्ड है, बट स्टिल इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस। एंड इन दैट केस हमने क्या किया, एक्सप्रेशन का साइन भी चेक कर लिया है कि अल्फा के पहले भी पॉजिटिव है और बीटा के बाद में भी पॉजिटिव है। सब केस वन में देखना, अल्फा के पहले पॉजिटिव है और बीटा के बाद में पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन हो गई पॉजिटिव वाली। अल्फा और बीटा के बीच में नेगेटिव है तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अल्फा और बीटा पे जीरो है तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। इन द सेम वे हम यहाँ पे भी कंडीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसी कंडीशन में केस टू में बनाने जा रहा था, तो वो केस टू की कंडीशन भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। केस टू की कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज डी जीरो है, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे कि सब केस वन बनाएंगे। सब केस वन में बोलेंगे कि ए पॉजिटिव है, तब ग्राफ देख लेते हैं क्या होगा, और सब केस टू में हम बोलते हैं कि जब ए नेगेटिव है तब ग्राफ देख लेते हैं कि कैसा होगा, ठीक है। जब भी ए नेगेटिव है तब ग्राफ कैसा होगा, ये दोनों चीजें देख लेते हैं। डी इक्वल टू जीरो के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि क्या कंडीशन होती है, कि ग्राफ वहां पे टच कर रहा होता है एक्स एक्सिस को, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे कि टू रियल एंड इक्वल रूट्स, ऐसी कंडीशन आनी चाहिए। तो उस केस में ग्राफ अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा और कैसा जा रहा होगा, ये कुछ ऐसा यहाँ पे नीचे जब लाओगे ये पैराबोला इधर पे टच करता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, मतलब इसके जो दोनों रूट्स हैं वो एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। यार एक तो यहाँ पे ड्राइंग करना ना थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है, ऐसा बना दिया मैंने। ये ग्राफ यहाँ से इंफिनिटी तक जा रहा है, यहाँ से भी इंफिनिटी तक जा रहा है, दोनों रूट्स एक ही पॉइंट पे आ गए हैं, और इसी पॉइंट पे ये कैसा हो रहा है, ये जीरो हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि पहले वो दो अलग अलग पॉइंट दिख रहे थे, अब एक ही पॉइंट पे आ गया है, एंड दिस पॉइंट इज से अल्फा। इसी तरीके से अगर हम ओपनिंग डाउनवर्ड का केस बनाते हैं तो ओपनिंग डाउनवर्ड का केस हमें कैसा दिखता, वो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ जाता, ये नीचे की साइड जा रहा होता। तो अगर अब मुझे यहाँ पे कोई पूछता कि जरा साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताओ, तो देखो सब जगह पर लगभग पॉजिटिव है, सिर्फ अल्फा पे जीरो हो रहा है, बाकी सब जगह पर यहाँ पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट अल्फा, हर जगह पर पॉजिटिव है। एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू अल्फा, अल्फा पे जीरो है बाकी सब जगह पर पॉजिटिव है। और अगर इस केस में देखोगे तो सब जगह पर ग्राफ का साइन कैसा दिखाई पड़ रहा है, नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा नेगेटिव जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हमें क्या दिखेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट अल्फा, और ये जीरो हो जाएगा, कहां पे जीरो हो जाएगा, अल्फा पे जाकर के ये जीरो हो जाएगा एट अल्फा। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछो भी। प्रथमेश, मानसी, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट इज केस थ्री, और ये केस जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है यार, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इसी केस में बनते हैं, ये जो डी नेगेटिव वाला केस में बता रहा हूं। यहाँ पे भी दो केस सब केसेस बनेंगे, सब केस वन इज ए पॉजिटिव, सब केस टू इज ए नेगेटिव, ये दो सब केसेस यहाँ पे भी बनेंगे, बट क्वेश्चंस बहुत सारे इसी पे बनते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, या तो एक्सप्रेशन कंप्लीटली पॉजिटिव होता है या फिर एक्सप्रेशन कंप्लीटली नेगेटिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो कंप्लीटली पॉजिटिव रहेगा या फिर कंप्लीटली नेगेटिव रहेगा। तो ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। अगर तो ए पॉजिटिव है और ये कट करने वाला है नहीं, श्योर सी बात है, डी नेगेटिव हो गया तो ये कट करने वाला नहीं है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ यहाँ पे ऐसा ऊपर जा रहा होगा, ये ना तो इसको कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो एक्सप्रेशन कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव है। और अगर इधर देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ए नेगेटिव है तो ग्राफ यहाँ पे नीचे जाना चाहिए ऐसा, ठीक है, ना तो कट करेगा और ना ही टच करेगा, हम ऊपर ही देख चुके हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि इन दिस केस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहां पे हम क्या बोलते हैं कि एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो क्या होगा, क्वेश्चन तुम्हें कैसे बना के देंगे, मेरे ख्याल से ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं तो एक्स का कोई भी वैल्यू लो एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव ही आ रहा है, यहाँ पे एक्स का कोई भी वैल्यू लो एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव ही आ रहा है। तो यहाँ समझना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमें याद क्या रखना होता है क्वेश्चंस के लिए, हमें ये याद रखना होता है कि वो क्वेश्चन यहां से देगा, वो बोल देगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, नाउ फाइंड द कंडीशन। तो कंडीशन क्या होती है ये याद रखो, इफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव दैट मीन्स ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, एंड इफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव देन ए नेगेटिव डी नेगेटिव। ये कंडीशन याद रखनी है क्योंकि वो क्वेश्चन तुम्हें इस पे ही बना के देगा, वो या तो बोलेगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर बोलेगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। सो इफ ही इज सेइंग इन द क्वेश्चन दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव दैट मींस ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, एंड इफ ही इज सेइंग दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव दैट मींस ए नेगेटिव डी नेगेटिव। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा ये, और अगर किसी को कोई डाउट हो यहां तक समझने में, क्योंकि मैंने ग्राफिकली डी का तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, अब एक बार हम जल्दी से एक बार इसको सम अप करते हैं और एक दो ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, एक बार जल्दी से सम अप करते हैं। ए तुम्हें क्या बता रहा है, ए का रोल क्या है, ए तुम्हें बता रहा है शेप, ठीक है। बी तुम्हें क्या बता रहा है, बी तुम्हें बता रहा है x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि a से पता चल गया ओपनिंग अपवर्ड है या ओपनिंग डाउनवर्ड है, b से हमें ये पता चल गया कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या है, c हमें क्या बता रहा है, c हमें बता रहा है y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस को वो कहां पे कट कर रहा है, तो हमें पता चल गया y इंटरसेप्ट क्या है। और D हमें क्या बता रहा है, D हमें बता रहा है Y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, एक तो ये बता रहा है कि Y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या है, दूसरी बात ये बता रहा है कि वो X एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है यानी X इंटरसेप्ट भी बता रहा है वो। अगर D पॉजिटिव होगा तो श्योरली X एक्सिस को कट करेगा, हमें रूट निकालने पड़ेंगे, D जीरो हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो टच करके ही जाने वाला है, वर्टेक्स पे ही टच करेगा श्योरली। और अच्छा जब भी टच करेगा तो हमेशा याद रखना वर्टेक्स पे ही टच करता है, ऊपर अगर तुमने देखा होगा कि ये जो टच भी कर रहा है तो ये ग्राफ कहां पे टच कर रहा है, वर्टेक्स पे, ग्राफ का वर्टेक्स एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसको चाहो तो लिख लो, ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस एट वर्टेक्स इन बोथ द केसेस, ठीक है। और अगर डी नेगेटिव हो गया तो हमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, कहीं कट नहीं करने वाला है। तो बेसिकली ए बी सी डी ही ये चार चीजें हैं जिसकी हेल्प से हम पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट कर पाते हैं। आगे जैसे मैं भी एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा अभी तुम्हें एग्जाम्पल में,
जब तुम लोग ये नोट कर लोगे तब मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। लेकिन फिलहाल ये समझ में आना बहुत जरूरी है, अगर ये समझ में आ गया है तो फिर हम आगे चलते हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो जितना डिस्कशन करना हो करो, क्योंकि लोगों को ये पार्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्कशन करने के लिए। और अगर आ गया है तो नोट कर लो यार, इससे अच्छा तो क्या ही होगा। वर्टेक्स क्या होता है, भूल गया। वर्टेक्स ये वाला पॉइंट जो मैक्सिमम और मिनिमम वाला पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज वर्टेक्स, दिस पॉइंट। जैसे इस केस में अगर हम देखेंगे मिनिमा कहाँ है, यहाँ पे है। इस केस में देखेंगे मैक्सिमा कहाँ है, यहाँ पे। तो ये जो आता है दैट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स के मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ना, -b/2a, -d/4a, ठीक है। तो वो वर्टेक्स का रोल है। अब बी और डी वहां पे हेल्प करते हैं हमारी, बी और डी वहां पे क्या हेल्प करते हैं, वो हमें बता देते हैं कि वर्टेक्स अगर हमें निकालनी है तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा -b/2a और वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट होगा -d/4a। यहाँ पे बी और डी हमारी हेल्प कर देते हैं। आई थिंक अभी क्लियर है ये पार्ट पूरा, ठीक है। तो नोट करो इसको, फिर हम आगे चलेंगे। केस वन केस टू नोट कर लो, मुझे बताओ, फिर आगे चलते हैं। Thank you.
हाँ यार नोट कर लिया प्रथमेश? हाँ सर, वो लास्ट का लिख रहा हूँ। ठीक है ठीक है, लिखो लिखो।
सॉरी यार थोड़ा सा देख लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। तो फर्स्ट वाले का ग्राफ तो देखो मैंने कैसे बना दिया, ए बी सी मिल गया मुझे, डी मैंने निकाल लिया, ठीक है। ये मैंने, अरे यार ये मैंने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी तो सिर्फ इतना ही था, डी कितना था, डी था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि माइनस फोर। और मैंने जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स अगर मैं देखूंगा तो वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स आना चाहिए माइनस बी बाई टू ए। तो माइनस बी बाई टू ए करोगे तो माइनस ऑफ माइनस सिक्स बाई टू कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। तो ये तुम्हें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है तुम्हें 3.1। तो यहाँ पे था 3 और ये था 3, माइनस डी बाई फोर ए। ये भी मैंने गलत लिखा हुआ है, डी का वैल्यू 4 है, तो माइनस डी बाई फोर ए करोगे तो ये माइनस साइन के साथ आएगा। तो 3, -1 इज योर वर्टेक्स। वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 0.8 पे कट करेगा क्योंकि सी का वैल्यू 8 है। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, हमने फैक्टराइज करके देख लिया, 2 और 4 पे कट करेगा। तो इस तरीके का एक रफ डायग्राम हमने बना लिया जो जा रहा होगा। किसी को ये समझने में डाउट हो तो मुझे बोल दो यार एक बार, है क्या? नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ था वहां पे, दैट इज वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर। हांजी, तो अपना कैमरा ऑन कर। यहाँ पे ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू है 4 और सी का वैल्यू है -4। ये मिल गया, डी का वैल्यू निकालेंगे तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो जब इसको देखोगे तो डी का वैल्यू 0 आ गया। डी का वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हो गया कि अब ग्राफ क्या करेगा, टच करेगा। किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आने वाले हैं, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए करोगे तो 0। तो ये तुम्हें क्या मिलने वाला है, इट इज 2.0 ये मिलने वाला है। तो यानी वर्टेक्स ये एक्स एक्सिस को 2 पे टच करेगा, ए नेगेटिव है, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, सी का वैल्यू -4 है, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मैं एक्सिस दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सो हमें क्या दिख रहा होगा, 1 2 ये दिख गया 2.0 क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पे ही टच करने वाला है। वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 1 2 3 4 ये -4 पे, तो 0, -4 पे यहाँ पे वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा। ग्राफ का वर्टेक्स यहाँ पे ही आने वाला है और ओपनिंग डाउनवर्ड है, ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा जा रहा होगा, यहां से ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहां से यही ग्राफ ऐसा। सो ओपनिंग डाउनवर्ड का केस, y एक्सिस को 0, -4 पे कट कर रहा है, x एक्सिस को 2.0 पे टच कर रहा है। आई थिंक ये क्लियर होगा, कोई डाउट है किसी को? कोमल समझ में आ रहा है ना सारा कुछ? आई डोंट नो कोमल है कि नहीं है वहां पे। खैर ये क्लियर हो गया ना सबको, मानसी प्रथमेश, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। व्हाट इज थर्ड पार्ट, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सपोज ऐसा लिखा, यही लिखा हुआ है ना थर्ड पार्ट में। तो यहां पे तुम्हें ए बी सी क्या मिल रहा है, ए इज 1, बी इज 1, सी इज 1, और अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डिस्क्रिमिनेंट इज -3। और अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स कैलकुलेट करूंगा बाय यूजिंग बी एंड डी, तो वर्टेक्स क्या मिलेगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। माइनस डी बाई फोर ए तो इट इज 3/4 प्लस वाला। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखना थोड़ा सा, हमने क्या किया यहाँ पे, अब जरा हम वन थोड़ा बड़ा बनाएंगे, -1 बनाया मैंने, यहाँ पे कहीं -1/2 है और ये 1 बनाया तो यहाँ पे ये 1 बना देते हैं इतना बड़ा, तो ये आएगा करीब, ये 1 है और यहाँ पे करीब 3/4 यहाँ पे आ रहा होगा, तो ये कुछ ऐसा वर्टेक्स आ जाएगा, -1/2
एंड 3/4 ये वर्टेक्स आ गया है। डी नेगेटिव है तो ऑब्वियसली कहीं नहीं कट करने वाला, वाई एक्सिस को ये यहाँ पे कट करेगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड्स, मतलब कि ये ग्राफ यहाँ से ऐसा और यहां से कुछ ऐसा, ऐसा ग्राफ जा रहा होगा। अभी देखो समझने में कोई डाउट हो तो बोलो, क्लियर है ना ये ग्राफ। तो इसको भी नोट कर लो, देन आगे चलते हैं हम लोग। यार नोट कर लेना तो मुझे बोलना जल्दी से। सर डन। ओके अभी मैं कुछ क्वेश्चंस और लिख रहा हूं, ठीक है। तुमको क्या करना है, रफ डायग्राम ही बनाना है बस, उसके बेसिस पे जो भी कुछ मैंने बताया उसके बेसिस पे रफ डायग्राम प्लॉट करना, ठीक है। ये चार बनाओ जल्दी से।
हो गया यार प्रथमेश, हो गया प्रथमेश? ठीक है चलते हैं आगे, जरा देख लेते हैं पहले कि तुम लोगों ने क्या क्या बनाया है इस पे। ए बी सी पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, ये वाला ग्राफ कैसे बनाया दिखा सकते हो कैमरे में? रफ डायग्राम देखेंगे, ए बी सी पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, फर्स्ट वाला देख रहे हैं। कौन बताने वाला है? ए पॉजिटिव है, ओपनिंग अपवर्ड। प्रथमेश तो गायब हो गया, मुझे लग रहा है पिक्चर लेकर के भेजने वाला है। ए पॉजिटिव ठीक है, बी पॉजिटिव है तो माइनस बी बाई टू ए करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आने वाला है, एंड माइनस डी बाई फोर ए करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आने वाला है। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यानी यहां होगा वर्टेक्स, ग्राफ होगा ओपनिंग अपवर्ड, सी यहां पे कहीं होना चाहिए, डी नेगेटिव है तो ये कहीं कट नहीं करेगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा और यहां से कुछ ऐसा, इस तरीके का ग्राफ जा रहा होगा, ऐसा पैराबोला बनेगा। कोई डाउट है किसी को यहां तक? सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड में बोल रहा है ए बी सी डी सब पॉजिटिव है, ये कैसे बनाओगे? ए बी सी डी सब कुछ पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो अगर हम देखेंगे कि माइनस बी बाई टू अगर हम देखेंगे तो वो नेगेटिव आ जाना चाहिए क्योंकि बी और ए दोनों पॉजिटिव है, माइनस और माइनस डी बाई फोर ए देखेंगे तो वो भी नेगेटिव आना चाहिए, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टेक्स आना चाहिए, वर्टेक्स आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ सी पॉजिटिव है मतलब वाई एक्सिस को कहीं यहाँ कट कर रहा होगा, ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ है तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, डी पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट भी कर रहा होगा, तो ये ग्राफ ऐसा बन गया और यहां से कुछ ये ऐसा बन रहा होगा, मतलब पैराबोला ही है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये समझने में कोई डाउट है? ओके देन थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? क्या थर्ड पार्ट इज सेइंग कि एक सेकेंड, तुम लोग बताना थर्ड पार्ट में कंडीशन क्या दी हुई है मैंने, ठीक है? मैं जरा ये एक्सेस वगैरह बना लेता हूँ यहाँ पर। क्या दिया मैंने? ए बी पॉजिटिव तो अगर मैं, और सी डी नेगेटिव है, माइनस बी बाई टू ए देखूंगा मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखूंगा वो तो नेगेटिव आना है, एंड माइनस डी बाई फोर ए देखूंगा वो पॉजिटिव आने वाला है, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अब देखना यहां मजा आएगा, यहां मजा आएगा क्योंकि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट हो गया है पॉजिटिव, ठीक है? ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड ही बनना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं सी नेगेटिव, सी नेगेटिव नेगेटिव एक्सेस पे कैसे कट कर सकता है? क्या पॉसिबल है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्राफ हम ऊपर बनाएंगे, ओपनिंग अपवर्ड करेंगे, तो ओपनिंग अपवर्ड करने का मतलब क्या है कि सी पॉजिटिव ही आना चाहिए, सी नेगेटिव यहां पे नहीं आ सकता, तो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। Why? Because if A and D, sorry, not A and D, ये मैं जरा इसको ठीक करता हूँ। This graph is not possible. Why? Because A positive and D negative का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि graph is always positive.
ये मैंने पहले ही बताया था तुम लोगों को, ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर सी नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, सी नेगेटिव होगा ये नहीं हो सकता वहां पे। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा इतना पार्ट। सी नेगेटिव का मतलब ये, यहाँ पे नीचे नेगेटिव आना चाहिए, वो नहीं आ सकता। इसी तरीके से अगर हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाले में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, फोर्थ वाले में वो बोल रहा है कि ए एंड सी पॉजिटिव, बी एंड डी नेगेटिव। बी एंड डी नेगेटिव है ठीक है, माइनस बी बाई टू ए करेंगे तो मुझे पॉजिटिव आने लगेगा, और माइनस डी बाई फोर ए करेंगे तो ये भी मुझे पॉजिटिव आने लगेगा। ठीक है, अब देखो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वर्टेक्स का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट में आ गया, सी पॉजिटिव है ये भी ठीक है, और ए भी पॉजिटिव है मतलब ओपनिंग अपवर्ड होना चाहिए, मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से जाना चाहिए ऐसा। यहां तक क्लियर है सर? बी एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, तो वो कौन सा एक्स होता है? एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, ये इतना डिस्टेंस होता है माइनस बी बाई टू ए। तो फिर सिर्फ बी मतलब कौन सा? सिर्फ बी मतलब कुछ नहीं, सिर्फ बी मतलब कुछ नहीं, बी बस आपको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने में हेल्प करता है। यहां तक क्लियर है ना? नोट कर लिया होगा आई थिंक, अगर नोट नहीं किया हो तो बताओ मैं दिखा दूं। नोट कर लिया ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 are imaginary and a plus b plus c is positive, then find the sine of, sine मतलब बस positive negative ही बताना है, find the sine of, first part है a, सेकेंड पार्ट है सी, थर्ड पार्ट है डी, फोर्थ है ए माइनस बी प्लस सी, फिफ्थ है ए माइनस टू बी प्लस फोर सी, सिक्स है नाइन ए माइनस थ्री बी, नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी। इन सब का साइन फाइंड करना है, करो जरा जल्दी से।
हाँ यार बताओ, हुआ सॉल्व? नहीं देखो, क्वेश्चन बहुत आसान था लेकिन ट्रिकी था, ठीक है, और इसीलिए मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था। चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बस ग्राफ अगर तुमने बना लिया इस क्वेश्चन का ना, तो सब खत्म हो गया। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू जीरो के रूट्स जो है वो कैसे हैं? वो इमेजिनरी रूट्स हैं। इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या हुआ? इमेजिनरी रूट्स मीन्स डी नेगेटिव। अब डी नेगेटिव के दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं। एक ग्राफ कैसा बन सकता है? अगर वो ओपनिंग अपवर्ड्स होता तो ग्राफ ऐसा जाता, ठीक है, और अगर वो ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता तो ग्राफ ऐसा जा रहा होता। ये दो चॉइसेस हो सकते हैं हमारे पास कि ग्राफ या तो ऊपर वाला हो या फिर नीचे वाला ग्राफ हो। यहां तक क्लियर है? बट उसने एक कंडीशन और दी है। क्या कंडीशन दी है? ए प्लस बी प्लस सी इज पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी? अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एफ एक्स लेता हूं तो मैंने बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन इज वॉट? ए प्लस बी प्लस सी। सो ए प्लस बी प्लस सी इज वॉट? वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू वन। तो एट एक्स इक्वल टू वन उसने क्या बोला? फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है। उसने बोला फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, तो फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ये ऊपर जाना चाहिए, यानी कि हमारा जो ग्राफ है वो ये वाला होना चाहिए। ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि इस ग्राफ में तो एक्सप्रेशन के सारे वैल्यूज नेगेटिव ही आ रहे हैं, सारे नेगेटिव होने चाहिए। बट हमने क्या बोला है क्वेश्चन में कि वन पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। सो दिस इज आवर ग्राफ, और ये वाला ग्राफ हमें यहां से डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ठीक है, हम इसको नहीं ले सकते आगे। दिस इज आवर ग्राफ। नाउ अब जो भी कुछ करना है सब इसी ग्राफ पे करना है। तो जरा इस ग्राफ के लिए देखो, ये ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है तो इसका ए कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट देखो जरा, सी पॉजिटिव। इस ग्राफ के पास रूट्स नहीं है तो डी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, है ना। ए माइनस बी प्लस सी क्या होगा? एफ एक्स तो हमें यहां दिख रहा था। व्हाट इज ए माइनस बी प्लस सी? ए माइनस बी प्लस सी का मतलब हो गया एफ ऑफ माइनस वन। दैट मीन्स फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो अगर हम एक्स इक्वल टू माइनस वन पे भी देखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना। देखो यहां पे अगर वन पे वैल्यू चेक करोगे तो ये वैल्यू ऊपर की साइड ही तो जा रहा है। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन पे फंक्शन का वैल्यू कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। सो दिस विल बी पॉजिटिव। ये क्या है? एफ ऑफ थ्री। अगर हम एफ ऑफ थ्री निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी। तो अगर हम थ्री पे भी वैल्यू निकालेंगे तो वो भी हमें कैसा मिलने वाला है? पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है। दिस इज व्हाट ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दिस इज एफ ऑफ हाफ, याद रख लो यहां से। अगर मैं एफ ऑफ हाफ निकालूंगा तो क्या आएगा? ए बाई फोर, सॉरी एफ ऑफ माइनस हाफ, ए बाई फोर माइनस बी बाई टू प्लस सी। अगर तुम इसका एलसीएम लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ए माइनस टू बी प्लस सी, फोर सी सॉरी अपॉन फोर। और एफ ऑफ माइनस हाफ भी पॉजिटिव आने वाला है, दैट मीन्स ए माइनस टू बी प्लस फोर सी भी कैसा होना चाहिए? ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ ऑफ माइनस हाफ है तो माइनस हाफ पे भी वैल्यू कैसी आने वाली है? पॉजिटिव ही आने वाली है। तो ये सारे वैल्यूज कैसे आ रहे हैं? ये वाले वैल्यूज, ये पॉजिटिव। अगर ये वाला देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव। बस डी नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है। आप ग्राफ देख करके बताओ, कुछ डाउट हो तो पूछो मुझे। और ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं, जेई में बहुत जल्दी पूछे जाते हैं, और इनको ग्राफ देख करके ही खत्म भी कर दिया जाता है।
हाँ यार, ये नोट किया मानसी, समझ में आ रहा है ना सब? ठीक है, अच्छा अभी इसी पे बेस कुछ और क्वेश्चंस पे चलते हैं। फिर मेरा बाकी है थोड़ा। अच्छा ठीक है सॉरी, नोट कर लिया। फिर हो गया। अभी थोड़ा इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? ये लिखे हैं दो क्वेश्चंस, इनको दोनों को सॉल्व करो।
सर आपका माइक ऑफ है. सॉरी यार, आई एम रियली वेरी सॉरी. अच्छा मैं तभी इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि सॉल्व हुआ सॉल्व हुआ, तो कोई किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा होगा. ठीक है ए नेगेटिव डी नेगेटिव करना है हमें इसके लिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए. सो आई एम डूइंग द सेम थिंग. आई होप तुम लोगों ने भी यही किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो देख लो क्या कर रहा है. सो इट इज माइनस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस 14 ए माइनस 24 लेस देन जीरो. तो हम यहाँ से बोलेंगे कि अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हमें पॉजिटिव से करना पड़ेगा. तो पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस 14 ए प्लस 24 ग्रेटर देन जीरो. तो हम जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इट इज ए माइनस 2 इंटू ए माइनस 12, क्योंकि 2 और 12 से ही इसको स्प्लिट कर रहे होंगे. तो ये ऐसा आ जाएगा. जब हम इसका वेवी कर्व ड्रॉ करेंगे तो वेवी कर्व क्या बन रहा होगा, वेवी कर्व ऐसा बनेगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 12 और ये पॉजिटिव, देन यहाँ पे नेगेटिव एंड देन यहाँ पे पॉजिटिव. तो हम बोलेंगे कि इधर से जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 12 टू इंफिनिटी. ये आ गया हमारे पास सेकंड का और ये आया था हमारे पास फर्स्ट का. हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंपॉर्टेंट ये है. तो चलो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं. इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, हम बोलेंगे कि फर्स्ट का आंसर है ए लेस देन 4. तो ए लेस देन 4 मतलब 4 से पहले वाला पार्ट यानी कि ये, और सेकंड का आंसर क्या है ए लेस देन 2 ये एंड ग्रेटर देन 12 ये सेकंड का आंसर है. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट वन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड वन. दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ए लेस देन 2. तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, a belongs to minus infinity to 2. This is the final answer. I think ये सबको समझ में आ रहा होगा. ये नोट कर लो तो बताओ फिर आगे चलते हैं. सर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर था, तो फिर 2a स्क्वायर का क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज माइनस a स्क्वायर ना. वो एक्चुअली माइनस शायद क्लियरली दिख नहीं रहा, उसको मैं ठीक से लिख देता हूँ. नोट किया. ओके नेक्स्ट क्या है, के माइनस 2x स्क्वायर 8x एंड के प्लस 4. के माइनस 2x स्क्वायर, यार ये क्या हो रहा है एक सेकंड रुकना.
के माइनस टू एक्स स्क्वायर, और क्या था इसके आगे? एट एक्स एंड के प्लस फोर, एंड दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है. तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? व्हेन ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू हो. तो यहाँ पे ए क्या है? के माइनस टू पॉजिटिव, डी नेगेटिव का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ये दोनों ट्रू होने चाहिए. तो यहां से क्या आएगा? के ग्रेटर देन टू आ जाना चाहिए यहां से. यहां पे देखेंगे हम फोर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 माइनस, मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैंने क्या लिखा, यहाँ पे फोर होना चाहिए ना. हाँ, के स्क्वायर माइनस टू के प्लस फोर के प्लस टू के माइनस एट नेगेटिव. तो 16 माइनस के स्क्वायर माइनस टू के प्लस एट लेस देन जीरो, सिंप्लीफाई करेंगे तो के स्क्वायर माइनस टू के प्लस 24 लेस देन जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो के स्क्वायर प्लस टू के माइनस 24 ग्रेटर देन जीरो. फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या जाएगा? के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस फोर के माइनस 24 ग्रेटर देन जीरो. तो फैक्टराइज करोगे तो इट्स के माइनस फोर इंटू के प्लस सिक्स, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो. साइड में इसका वेवी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं. तो एक आएगा फोर और एक आएगा माइनस सिक्स. तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव रहने वाला है, फिर यहाँ पे ये नेगेटिव रहने वाला है, और यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाला है. हमें पॉजिटिव का सोल्यूशन चाहिए तो हम बोलेंगे कि के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस सिक्स यूनियन फोर टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा. और के ग्रेटर देन टू ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है. अब हम दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन निकालते हैं. तो अगर हम दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन निकालेंगे तो हमें फर्स्ट वाले का क्या मिल रहा है? के ग्रेटर देन टू, पहले ये लिख देता हूं मैं, के ग्रेटर देन टू, ये फर्स्ट वाले का मिल रहा है मुझे. और सेकेंड वाले का क्या मिल रहा है? माइनस सिक्स से वो लेसर है, यानी कि यहां जा रहा होगा, एंड फोर से वो ग्रेटर है. और अगर मैं दोनों का देखूंगा कि कंबाइंड सॉल्यूशन क्या आ रहा है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? फाइनली हमें फाइनल मिलना चाहिए के बिलोंग्स टू फोर टू इन्फिनिटी, ठीक है. लेकिन हमें लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के चाहिए थी, तो यहां से लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के क्या आएगी? फाइव एग्जैक्टली, क्योंकि फोर के बाद जो नेक्स्ट है वो फाइव है, फोर हम इंक्लूड कर नहीं सकते. तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू इज फाइव. आई होप क्लियर होगा ये सबको. नोट कर लो इसको.
नोट किया? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अभी हम पहले ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म करें। बीच में तुम लोगों का एग्जाम होने वाला था, वो तो नहीं हो पाया, तो अभी देखता हूँ मैं कुछ अगर एक्स्ट्रा लेक्चर मिल पाएंगे तो उनको लगा करके हम इसको खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलो, सो गुड बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके डियर।